आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं ब्लॉग जो ये होने वाला है ये पर्टिकुलर बंगला साहब गुरुद्वारे पे है। तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और यहाँ की जो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अच्छा है ये गुरुद्वारा, और जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर जो वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जो कोई सजेशंस हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या हो सकता है इसमें और बेहतर। चलिए साथ ही साथ जानते हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। गुरुद्वारा बंगला साहिब मूल रूप से 17वीं सदी में एक भारतीय शासक राजा जय सिंह से संबंधित बंगला था और जैसिंहपुरा पैलेस के रूप से जाना जाता था। सिख समुदाय के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण सिंह जी यहाँ अपने दिल्ली प्रवास के दौरान रहे थे। उस समय स्मॉल पॉक्स और हैजा की बीमारी फैली हुई थी। गुरु महाराज ने उन बीमारियों के मरीजों को अपने आवास से जल और अन्य सुविधा उपलब्ध कराई थी। सरोवर का जल स्वास्थ्यवर्धक, आरोग्यवर्धक और पवित्र माना जाता है और विश्व भर के सिख समुदाय के लोग यहाँ के सरोवर का जल पूरे विश्व में ले जाते हैं। सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए एक पवित्र तीर्थ है और विश्व भर से सिख और हिंदू समुदाय के लोग यहाँ गुरु महाराज के दर्शन के लिए आते हैं। इतिहास के मुताबिक गुरु जी ने अपने चरण सरोवर के इस जल में रखकर अरदास की थी और फिर उस जल से मरीजों को सहायता मिली। कई लोगों के स्वास्थ्य लाभ करने के बाद उन्हें चेचक निकल आई और अंत में 30 मार्च को उनका निधन हो गया। हर साल गुरु हरकृष्ण सिंह जी की जयंती पर यहाँ विशेष मंडली द्वारा एक भव्य आयोजन किया जाता है। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा क्योंकि ये प्लेस वाकई में हार्ट से टच करने वाली है। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने नोट की है कि जो आप लंगर करते हैं ना तो उसमें कुछ मतलब अलग फीलिंग आती है कि जैसे कि नॉर्मली अगर जो आप बांट रहे हैं, सर्व कर रहे हैं किसी को, तो वो चीज़ नहीं आ पाती है, लेकिन अगर जो आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं तो फीलिंग टोटली फीलिंग चेंज होती है।
मैंने भी यहाँ पे सेवा की और मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपने कहीं भी जो चीज़ें फील नहीं की होंगी वो आप यहाँ फील कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे रोए खड़े हो गए, क्योंकि रियली मैं सच बता रहा हूँ कि फीलिंग रियली में चेंज हो जाएगी अगर जो आप यहाँ विज़िट करेंगे। इतना पायस जगह है यहाँ पे कि मैं कह नहीं सकता, मैं सच में यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली प्लीज्ड हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी आएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये जगह। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पे मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स मिले जो कि मेरे लिए बिल्कुल अननोन थे, लेकिन बस चैनल की वजह से दो लोग मुझे यहाँ पे पहचानते थे, अननोन लोग। तो ये भी एक आज एक अच्छा अचीवमेंट था, उनके साथ मैंने फ़ोटो ली हैं, तो वो फ़ोटोज़ मैं आपको शेयर कर दी हैं इस वीडियो में एक्चुअली। तो बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।